आप सभी लोगों का हमारी समाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे एक रिक्वेस्ट की वजह से कि बहुत से मेरे व्यूवर्स को एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है कि समर का सीज़न तो स्टार्ट हो गया, मगर उनके जो हिबिस्कस के फ्लावर हैं वो कलियां बन के झड़ रही हैं। देखिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बन जाती हैं, फिर वो झड़ जाती हैं या पीली पड़ जाती हैं। जैसे ये हमारे यहाँ की कलियां, देखिए इस तरह से प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है समर में, या विंटर हो तब भी। ओके, समर में तो बहुत ज़्यादा फूल देते हैं हिबिस्कस, इसीलिए मेरे भी प्रॉब्लम ये हो गई थी। मैंने मेरी यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूँ, जो उनको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए अब ये हमारे यहाँ की कलियाँ खिलना स्टार्ट हो गई हैं। देखिए पहले कलियाँ इनको खिल नहीं पा रही थी, देखिए ऐसे ही ख़राब हो जा रही थी ये कली। अब देखिए ये कली दो दिन के तीन दिन के अंदर ये खिल जाएगी पूरी। अच्छे से आपको दिखा दूँ, देखिए ये देखिए। तो ये कलियाँ क्यों नहीं खिल रही थी, क्यों झड़ जा रही थी, क्या रीज़न है, बहुत ईजी। और मैं इसका उपाय भी बिल्कुल घर का उपाय बताऊँगी, घरेलू उपाय बताऊँगी, जो आप लोग अपने ईजिली अपने घर में कर सकते हैं। बस सिर्फ कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो नंबर वन स्टार्ट हम करते हैं वाटरिंग। सबसे मेजर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वाटरिंग से स्टार्ट होती है कि अगर वाटरिंग हम लोग ज़्यादा दे देते हैं तो भी प्रॉब्लम, कम देते हैं तो भी प्रॉब्लम। वाटरिंग का एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलिए तो कभी ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी कि मेजर प्रॉब्लम वाटरिंग से होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे हिबिस्कस में ज़्यादा वाटरिंग करते रहेंगे तब भी हमारी लीव्स या कलियाँ इस तरह से हो जाएंगी। कम वाटरिंग करेंगे तब भी ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। तो वाटरिंग कैसे करें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वाटरिंग तब अपने प्लांट में कीजिए, इस तरह से मिट्टी कभी ना रहने दीजिए कि जैसे कि अभी मैंने मॉर्निंग में पानी दिया है तो ये इवनिंग तक ये सूख जाएगा। अगर इवनिंग तक ड्राई रहेगी हल्की सी मिट्टी तो ही वाटरिंग करना, और नहीं तो आप इसमें वाटरिंग फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में कीजिए कि कम पानी रहेगा थोड़ा सा तो ये थोड़ी सी मुरझा तो जाएंगे, मगर दूसरे दिन पानी डालेंगे तो बहुत ईजिली ये सर्वाइव कर जाएंगे बहुत अच्छा से। कि मिट्टी से भी हमें इसे खाना लेने की इसको थोड़ी सी जगह देनी चाहिए, जो मिट्टी से खाना ले और अपनी ताकत अपने फूलों को दे। जब हमारे यहाँ इसमें फ्लावरिंग होती है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए कि ये फ्लावर बनाता है फिर उनको खिलते हैं, तो इसलिए से उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, तो उसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें फर्टिलाइज़र की कमी हो जाती है कि हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र हमने कम दिया है। तो इस हिबिस्कस प्लांट में जब फ्लावरिंग हो तो लीफ के फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में या 10 दिन में ज़रूर देते रहिए। अगर नीम खली, मस्टर्ड खली और कंपोस्ट खाद की लिक्विड बनाते रहेंगे, टी बना के देंगे उनको, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। कि मैंने उसको थोड़ा सा छूट गया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी, अब दूर हो गई। देखिए मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया तो फ्लावरिंग परसों दिया है, देखिए अभी फ्लावरिंग स्टार्ट सही हो गई है और खिलना भी स्टार्ट हो गया माइकलिया। तो ये प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारे यहाँ लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इनको कम दे रहे हैं, और खाद है गोबर की खाद हो वो भी दीजिए, पुरानी दीजिए, नई नहीं दीजिए, नई देंगे तो पेड़ जल जाएंगे। और एक मुट्ठी दीजिए सिर्फ एक प्लांट में, चाहे बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा प्लांट है 15 इंच का गमला है तो दो मुट्ठी इसको महीने में एक बार दीजिए। अगर छोटा है गमला जैसे कि हमारे यहाँ है 10 इंच का, तो इसको मैं एक मुट्ठी बस कंपोस्ट खाद दे देती हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में देती हूँ, जिससे ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे करते। केमिकल इसलिए नहीं देते हैं हम कोई प्लांट में कि इसको हनी बर्ड्स भी टच करती हैं, शहद लेती हैं, तो वो शहद बनता है उसमें केमिकल जाएगा, तो इस वजह से आप केमिकल को थोड़ा अवॉइड ही कीजिए। फिर सेकंड मैं आपको टिप्स बता देती हूँ, इसमें एक कीड़े लग जाते हैं कलियों में, फंगस लग जाती है, तो उस फंगस को भी दूर करना ज़रूरी है कि अगर हम फंगस दूर नहीं करेंगे तो उस तरह से हमारे प्लांट नीचे जड़ें भी ख़राब होती जाएंगी, जिससे धीरे धीरे हमारी लीव्स भी ख़राब होती जाएगी। अगर लीव्स ख़राब होगी तो प्लांट भी ख़राब हो जाएगा, लीव्स अच्छी नहीं होगी। देखिए शाइनिंग भी आ गई हमारे, दो दिन के मैंने फर्टिलाइज़र दिया इसको और शाइनिंग भी इतनी अच्छी आ गई है। अगर आपकी प्रॉब्लम ये देखिए, अगर आपके यहाँ फंगस आपका प्लांट सूखता जा रहा है, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही, तो समझ लीजिए उसमें फंगस लगी हुई। तो फंगस के लिए मैं सबसे अच्छी दवाई बताती हूँ, आप कोई केमिकल मत यूज़ कीजिए। फंगस के लिए हमारे घर में फिटकरी होती है, देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये फिटकरी होती है। एक प्लांट में आधी चम्मच
आधे एक गिलास पानी में डाल के वो फिटकरी आप हम हफ्ते में एक बार इसको देते रहेंगे तो जो फंगस इनकी जड़ों में लगी होती है वो दूर हो जाएगी और उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी अच्छी होगी, बड़े बड़े फूल होंगे। बड़े फूल तो आपके लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप देते रहेंगे नीम खली मस्टर्ड खली उसी से बहुत बड़े होंगे, उससे बहुत अच्छी एनर्जी इनको मिल जाती और बहुत अच्छा प्लांट हो जाता है। देखिए ये प्लांट मेरी इस तरह प्रॉब्लम आप दूर हो रही है, लीव्स भी अच्छी हो गई हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। तो देखिए ये प्रॉब्लम इसको दूर कीजिए। और जब केमिकल की हमारे जब खाद की पोषक तत्व की एनर्जी की कमी के वजह से ये कलियां आपकी ऐसी पड़ जाएंगी। देखिए ये कलियां हो रही थी ना ख़राब, ये देखिए सारी कलियां ख़राब हो गई हैं। तो इस तरह से ये कलियां आपकी ख़राब होती जाएंगी अगर एनर्जी इनको नहीं मिलेगी। कि जब ये छोटे प्लांट होते हैं गमलों में लगते हैं अगर एनर्जी इनको अच्छी से नहीं मिलेगी तो फूल को कहाँ से एनर्जी देंगे। तो ये प्रॉब्लम इसमें ये भी फेस करनी पड़ती है जिससे हमारे कलियों में कलियां नहीं बनेंगी और फूल झड़ जाएंगे। इसमें काफ़ी होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि हमारी कलियों के अंदर एक कीड़ा होता है जो हमारी कलियों के अंदर जाके बैठ जाता है, उससे हमारी ये कलियाँ खराब हो जाती हैं। उसके लिए भी आप नीम खली का इसके अंदर जाके हमारी देखिए कलियाँ सब ख़राब कर देता है ये प्लांट। देखिए सारी कली इसके एक कीड़ा अंदर ही अंदर इसमें खोखला कर देता है कलियों को। देखिए ये सब देखिए ये देखिए। तो इस तरह से एक कीड़ा होता है इसमें अंदर की ही अंदर वो चला जाता है प्लांट में और प्लांट की कलियों को वो खा लेता है और उसी से ये फैलता जाता है। देखिए ये कलियाँ सही हो रही है, ये वाली सही हो रही है। तो वो छोटा सा कीड़ा होता है हमारी कली से यही इंटर हो जाएगा और वो उसमें अपने अंडे दे देगा। अंडे देने के बाद उसी को वो उसी से एनर्जी लेते लेते वो अपने को ग्रोथ उसकी ग्रोथ अच्छी बनेगी, हमारे कली की ग्रोथ ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप इसको उखाड़ तोड़ दीजिए, सारी कलियाँ जो आपकी सारी ख़राब कलियाँ हैं वो आप सब तोड़ दीजिए। इसलिए कि जब न्यू कलियाँ आएंगी तो वो कीड़ा पहले ही भगा देंगे सबसे। और जब ये कलियाँ आप सब तोड़ देंगे, ये सारी कलियाँ तोड़ दीजिए, कलियाँ जब टूट जाएंगी हमारी सारी, तो उसके बाद आप इसमें नीम ऑयल का पानी में डाल के एक आधा लीटर पानी में 2 चम्मच नीम ऑयल और उसको डालिए। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम खली आती है उसको एक दिन पानी में भिंगोगे और उसका पानी आप कंटिन्यू जो डेली दीजिए उसको आधा गिलास कंटिन्यू अगर डेली देते रहेंगे तो उसके जरिए वो पेड़ हमारे उसको एनर्जी को लेंगे और वो कीड़ों को समाप्त कर देंगे। तो इससे आपके प्लांट के कीड़े जो अंदरूनी हैं जो हमारी कली से पहुँचते हैं जड़ से पहुँचते हैं तो वो हमारे यहाँ के ख़राब हो जाएंगे, जिससे उससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे कि लीव्स भी बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और इसमें जो कीड़े लगे हुए हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो हिबिस्किस फिर गर्मियों में बाहर आ जाएगी, इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी और इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। देखिए मेरे यहाँ सब ग्रोथ चल रही है, किस इसको मैंने थोड़ी सी एनर्जी के लिए दे दी। देखिए सब नए नए आ रहे, देखिए सब में बन रही है अच्छी अच्छी ग्रोथ। कि इस तरह से हमारे हिबिस्कस को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिससे हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग देना बंद हो जाते हैं। और देखिए अगर आप इसमें फिटकरी का भी पानी डालेंगे तो उससे हमारी चींटियाँ भी दूर होंगी। नीम ऑयल डालेंगे, नीम खली का पानी डालेंगे तो चींटियाँ भी नहीं लगेंगी और इसको अच्छी सी एनर्जी भी मिलेगी, ग्रोथ भी अच्छी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी है। देखिए अब ये हमारे सब फूल खिलने वाले हैं, पहले देखिए ऐसे भी नहीं खिल पा रहे थे, अच्छे नहीं हो रहे थे, ख़राब हो जा रहे थे। सिर्फ इनमें जो कीड़े होते हैं वो ख़राब हमारे पेड़ों को कर देते हैं, जिससे हमारे पेड़ कोई केमिकल वैसे यूज मत कीजिए। और देखिए नेचुरल चीज़ हमारे जो घर में मिल जाती हैं उनको यूज कीजिए, या तेज़ पत्ते हों तेज़ पत्ते की पत्तियाँ रख दीजिए तो चींटियाँ भाग जाएंगी, तो इसका भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आपने हिबिस्कस को अच्छे से बनाइए और प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आपका प्लांट में जो कलियाँ गिर रही हैं सूख रही हैं उनको दूर हो जाएगी। तो वॉटिंग का थोड़ा ख्याल रखिए और जो इसमें जो मैंने आपको कीड़े बताए हैं पेक्सीसाइड बताए हैं मिली बग्स हैं ये सब लग जाते हैं। तो इससे आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए इनमें 15 दिन में 10 दिन में, या नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नीम ऑयल का पेस्ट बना के अपनी जड़ों में डालिए, नीम खली का पानी जड़ों में डालिए, जिससे आपके फंगस भी नहीं लगेगी, कीड़े भी नहीं लगेंगे और फ्लावर हिबिस्कस में खूब बड़े बड़े आएंगे, तो हिबिस्कस का बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कोई भी और भी आपको जानकारी लेनी है कि काफ़ी बातें हम लोग भूल जाते हैं, आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।